दोस्तों हम लोगों के दिमाग में एक ही नजर आता है जब हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, दिल में खुशी, कैमरा कैसे होगा, डिस्प्ले कैसे होगा, अगर मैं डे टू डे लाइफ के अंदर में दिन भर स्मार्टफोन चलाता रहूं क्या इसका बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कितना जल्द ये चार्ज करेगा जितना जल्दी जल्दी मैं फोन को उठाकर कहीं पे चले जाऊं इंस्टाग्राम रील्स के लिए। अभी यूट्यूब भी शुरुआत कर चुका है कि टॉक जैसे वीडियोस बनाने के लिए। वेट वेट वेट, इन सबको साइड में करते हुए मेन बात करेंगे अपकमिंग रेडमी नोट सीरीज की स्मार्टफोन जो कि हमारे दिल को एक संकेत के लिए छू जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि हम लोगों के दिमाग में एक ही सोच रहती है कि कितना जल्दी चार्ज होगा और कितना बैटरी परफॉर्मेंस होगा। इस दूरी को दूरी करते हुए 5500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी और 67 वाट की फास्ट चार्जर भी। आखिरकार देखा जाए तो भारत के अंदर हम लोग रेडमी के फैन तो रह चुके और रहेंगे भी, ये पक्का वादा रहा, क्योंकि भाई ये लोग तो कम कीमत के अंदर इतना स्मार्टफोन लॉन्च करते जाते हैं। अभी रेडमी नोट 12 सीरीज देख लीजिए, लगभग 2-3-4 महीने के अंदर ये स्मार्टफोन चीन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। बात कर लेते इसकी इंटरेस्टिंग कैमरा क्वालिटी से। हमको Redmi Note 10 के अंदर देखने के लिए मिला था 108 मेगापिक्सल की कैमरा सेंसर। Redmi Note 11 में ज्यादा से ज्यादा हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ज्यादा कैमरा क्वालिटी मिल सकता है, पर हमको सेम एज 108 मेगापिक्सल मिल चुका है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ना 150 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा सेंसर हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल की और दो सेंसर होंगे, जो 5 मेगापिक्सल्स की मेरे को यूजलेस लगता है और 8 मेगापिक्सल्स की शायद मजेदार हो सकता है। फ्रंट में भी हमको 44 मेगापिक्सल्स की सेल्फी स्नैपर देने वाली है। लीक्स और रूमर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, शायद इसकी डिजाइन भी। एक ताली तो बननी चाहिए यार तुम्हारे दोस्त की इतनी मेहनत भरी वीडियो के लिए। खैर मेरे को ताली तो सुनाई नहीं देगा, पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वही मेरे लिए एक ताली के बराबर होगा। वेल इन सबको साइड में करते हुए बात कर लेते हैं स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन के अंदर क्या धमाल दिया जा रहा है ये देखना बेहद जरूरी है। वेल बता दो आप लोगों को 7 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर होगा ही और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी जाएगी। साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस स्मार्टफोन में हो सकता है, जो कि Redmi Note 10 Redmi Note 11 में नहीं था। इन दोनों स्मार्टफोन की अपग्रेड वर्जन होगा तो शायद इन डिस्प्ले देना ही चाहिए। अरे देगा ही यार, Xiaomi तो अपन का भाई है, जो हम लोग बोलेंगे वो दे ही देगा, देख लेना। अगर नहीं देगा तो कमेंट सेक्शन में आके गाली मत देना यार, हां इसलिए मैंने पहले बताया था आपको। लीक्स और रूमर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। वेरिएंट्स, इस स्मार्टफोन में इतने सारे वेरिएंट्स मिलेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। 6GB RAM, 8GB RAM, सिर्फ दो वेरिएंट होंगे। दो वेरिएंट के अंदर इंटरनल स्टोरेज अलग अलग दिया जाएगा, 6GB के साथ 64GB, 6GB के साथ 128GB, 8GB RAM के ऊपर 128GB और 8GB RAM के ऊपर 256GB। दोस्तों जितने भी वेरिएंट्स आने वाले दिनों में आने वाले है आपको बता दिया जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट, चार्जिंग केबल और जो कुछ भी देने चाहिए Redmi भर भर कर तो देगा। आप लोग मेरे को एक चीज तो दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपका प्यार और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजा देना, क्योंकि मेरा दिल खुशी से भर जाए। इस वीडियो में और कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस समय पे आप लोग देख रहे हो वो समय आपका अच्छे हो जाए।